नमस्कार। कल हमने यह देखा था कि किस प्रकार एक यादृच्छिक चर प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों अथवा यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों को वास्तविक संख्याओं के रूप में परिवर्तित करता है। हमने बहुत समय इस बात पर लगाया कि यह फलन प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक अवयव को प्रत्येक संभव परिणाम के लिए एक और केवल एक ही वास्तविक संख्या देता है। अब हम घटनाओं को समझते हैं। छिक के यादृच्छिक चरों के होने पर अथवा यादृच्छिक चरों के संदर्भ में एक यादृच्छिक चर के संदर्भ में घटना का अर्थ है कि वह यादृच्छिक चर जिसे हमने अब तक x कहा है किसी समुच्चय a का अवयव होगा जहां a वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। अब यह a कोई भी घटना हो सकता है, किंतु हमारा ध्यान यहां पर दो विशेष प्रकार की घटनाओं अथवा एक विशेष प्रकार की घटना पर रहेगा जहां हम इस समुच्चय ए को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि ए है सभी वास्तविक संख्याएं जो कि किसी अन्य वास्तविक संख्या x से छोटी हैं, अथवा मैं इसे ए एक्स भी लिख सकता हूं कि समुच्चय ए एक्स है उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो कि किसी अन्य संख्या x से छोटी हैं, अथवा मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूं कि x के a का अवयव होने का अर्थ है x बड़ा x छोटे x से अधिक नहीं है, x x से अधिक नहीं है। यह एक विशेष प्रकार की घटना है एवं इस प्रकार की घटनाओं को हम यादृच्छिक चरों को समझने में और प्रयोग करेंगे। अब इस घटना को ध्यान में रखते हुए हम एक फलन परिभाषित कर सकते हैं fx x। यह फलन मूलतः वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है एवं यह बराबर है कि यह घटना ए एक्स हो। यह फलन बराबर है कि यादृच्छिक चर एक्स एवं fx x जिसे हम x का फलन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं वह यादृच्छिक चर बड़ा x के x से अधिक मान न धारण करने की प्रायिकता को
जिसे हम x का बंटन फलन कहते हैं, वह यादृच्छिक चर x के x से अधिक मान न धारण करने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। यह, जैसा कि हमने पहले कहा, यह x के गुणधर्म पर आधारित x का एक फलन है। हमें यह समझना होगा कि बंटन फलन असल में छोटे x का फलन है। छोटा x कोई भी चर है जिसका प्रयोग हम यहाँ इस बड़े x के गुण दर्शाने में कर सकते हैं। हम इसे इस x के स्थान पर a, b, k, ख, कोई भी चर ले सकते थे, किंतु हमने सरलता के लिए छोटा x यह चर लिया है। तो मूल तौर पर हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा यादृच्छिक चर दर्शाते हैं। छोटे अक्षरों द्वारा हम छद्म चर, डमी वेरिएबल दर्शाते हैं। इसे बंटन फलन अथवा डमी वेरिएबल कहते हैं। अब मान लीजिए ए बी से अधिक नहीं है, ए बी से कम अथवा बराबर है, अथवा ए बी से अधिक नहीं है, तब हम यह एक घटना है। उप समुच्चय है। यह इसका उप समुच्चय है एवं हम यह दिखा सकते हैं कि अर्थात एवं हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यह निष्कर्ष निकाल कि यदि ए बी से अधिक नहीं है अथवा ए बी से कम अथवा बराबर है, तब यह बंटन फलन का पहला गुणधर्म है। बंटन फलन के अन्य गुणधर्म हम समय आने पर बाद में चर्चा में लाएंगे। अब हमने यह कहा था कि प्रतिदर्श समष्टि दो प्रकार की होती है, संतत एवं असंतत। जहाँ संतत
प्रतिदर्श समष्टि के अवयव गणनीय होते हैं एवं असंतत प्रतिदर्श समष्टि के अवयव अगणनीय होते हैं। उसी प्रकार क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि गणनीय एवं अगणनीय के आधार पर संतत एवं असंतत होती है, उसी प्रकार उन प्रतिदर्श समष्टियों द्वारा जनित यादृच्छिक चर भी उनके जनक प्रतिदर्श समष्टियों के आधार पर गणनीय अथवा संतत एवं असंतत होंगे। अभी तक हमारा ध्यान, हमारे सभी उदाहरण असंतत प्रतिदर्श समष्टियों एवं असंतत घटनाओं पर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम पहले असंतत यादृच्छिक चर की बात करेंगे। संतत प्रतिदर्श समष्टियों को समझने के लिए, संतत घटनाओं को समझने के लिए हम संतत यादृच्छिक चरों का सहारा लेंगे, अथवा यह कहना गलत नहीं होगा कि असंतत प्रतिदर्श समष्टियों को समझना फिर भी असंतत घटनाओं को समझना फिर भी सरल है, किंतु संतत घटनाओं को समझने के लिए हमें संतत यादृच्छिक चर की आवश्यकता है एवं संतत यादृच्छिक चरों से को समझने से पहले हमें हमारे लिए असंतत यादृच्छिक चरों को जानना आवश्यक है। तो अब वह यादृच्छिक चर जो केवल गणनीय मानों में से कोई एक मान ही धारण कर सकते हैं। गणनीय प्रतिदर्श समष्टि में गणनीय परिणाम होते हैं एवं उन गणनीय परिणामों के फलस्वरूप उस प्रतिदर्श समष्टि द्वारा जनित यादृच्छिक चर के धारणीय मान भी गणनीय ही होंगे। अर्थात हम एक असंतत यादृच्छिक चर को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, वह यादृच्छिक चर जो केवल गणनीय मानों में से कोई एक मान ही धारण कर सकता है। अब इस परिभाषा के आधार पर हम एक असंतत यादृच्छिक चर के लिए द्रव्य मान फलन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अथवा पीएमएफ, प्रायिकता द्रव्यमान फलन को छोटा करके पीएमएफ ही लिखेंगे, किसी असंतत यादृच्छिक चर x के लिए जो समुच्चय x1 x2 में से कोई एक मान धारण कर सकता है, हम पीएमएफ को परिभाषित करते हैं छोटा पी एक्स एक्स आई
बराबर है प्रायिकता x बराबर एक्स आई, अथवा यह x के मान एक्स आई धारण करने की प्रायिकता है। अब यदि x इसी समुच्चय में से मान धारण करता है, तब अब हम यह लिख सकते हैं एवं यदि छोटा एक्स इस समुच्चय का एक अवयव है एवं बराबर जीरो यदि एक्स इस समुच्चय का अवयव नहीं है, अथवा एक्स के कोई भी अन्य मान धारण करने की एक्स के कोई अन्य मान धारण करने की प्रायिकता शून्य है। यह एक्स के कोई भी अन्य मान धारण करने की प्रायिकता शून्य है। अब यदि हमने एक्स एक एक्स दो को अनुसार लिखा है, जहां एक्स एक एक्स दो से अधिक नहीं है, एक्स दो एक्स तीन से अधिक नहीं है एवं इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए, तब हमारे लिए यह सिद्ध करना सरल है, बंटन फलन बराबर है जोड़ आई एक से एन प्रायिकता एक्स। यह सूत्र हमें बंटन फलन एवं प्रायिकता द्रव्यमान फलन के बीच एक संबंध बताता है। अब हमने यादृच्छिक चरों को देख लिया, असंतत यादृच्छिक चरों को समझ लिया एवं असंतत यादृच्छिक चरों के दो सरल फलनों के कुछ गुणधर्म भी देख लिए। इनके अन्य गुणधर्म हम बाद में देखेंगे जब हम संतत यादृच्छिक चरों की बात करेंगे। अब हम यादृच्छिक चरों का एक अन्य फलन परिभाषित करने की स्थिति में हैं, प्रत्याशा। हम यहाँ प्रत्याशा को परिभाषित करेंगे। अभी हम केवल प्रत्याशा को परिभाषित करेंगे एवं हम बाद में यह देखेंगे कि प्रत्याशा किस प्रकार औसत से भिन्न है। पहली बार देखने पर प्रत्याशा छोटी कक्षाओं में सीखी गई औसत जैसा दिखाई दे सकता है, किंतु वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। हाँ, आप औसत के द्वारा प्रत्याशा का एक अनुमान लगा सकते हैं, किंतु वह केवल एक अनुमान ही होगा। औसत और प्रत्याशा अलग अलग गणितीय वस्तुएं हैं, अथवा एवं हम इन्हें इस कोर्स में विस्तार पूर्वक समझेंगे। प्रत्याशा, अब मान लीजिए कि x एक असंतत यादृच्छिक चर है जिसका प्रायिकता द्रव्यमान फलन हम यह जानते हैं कि यह x विभिन्न प्रायिकताओं के साथ
विभिन्न मान धारण कर सकता है, यह विभिन्न प्रत्याशाओं के साथ विभिन्न मान धारण कर सकता है। इस आधार पर हम यह गणना कर सकते हैं कि x का प्रत्याशित मान क्या होगा। इस आधार पर हम x के प्रत्याशित मान को परिभाषित करते हैं। x का प्रत्याशित मान हम ex द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जहां इसे प्रत्याशा x कहा जाएगा अथवा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कहा जाएगा। उसी प्रकार प्रत्याशा को अंग्रेजी में एक्सपेक्टेशन कहते हैं, एवं प्रत्याशा x को हम एक्सपेक्टेशन x कहेंगे, एवं इसे x के प्रत्याशित मान को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कहा जाता है। अब x के प्रत्याशित मान को परिभाषित करने के लिए हम लिखते हैं प्रत्याशा x बराबर है जोड़ x इस प्रकार कि x का प्रायिकता द्रव्यमान फलन शून्य से बड़ा है। x प्रायिकता द्रव्यमान फलन x, सरल शब्दों में x का प्रत्याशित मान उसके द्वारा धारण किए जा सकने वाले और धारणीय अथवा उसके द्वारा धारणीय मानों का भारित औसत है। हमने यह चर्चा आरंभ करने के पूर्व कहा था कि हम प्रत्याशा को औसत जैसा देख सकते हैं, और हम यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्याशा भारित औसत है। किस प्रकार, आइए समझते हैं। यहाँ x का हर धारणीय मान को की x की प्रायिकता द्वारा भारित है। उदाहरणतः यदि x अर्थात x शून्य एवं एक में से कोई भी एक मान धारण कर सकता है, एवं बराबर है आधा बराबर है, तब हम यह देख सकते हैं कि प्रत्याशा x बराबर है शून्य गुना आधा जमा एक गुना आधा, जो कि बराबर है एक गुना आधा आधा। यह दोनों मानों का साधारण
औसत है, यह इन दोनों मानों का साधारण औसत है। अब हम एक अन्य उदाहरण की बात करते हैं जहां प्रायिकता x अभी भी शून्य एवं एक में से कोई एक मान ही धारण कर सकता है, किंतु 1/3 एवं 2/3। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं बराबर है 0 × 1/3 × 2/3 = 2/3। यहाँ शून्य और एक के साथ जुड़े हुए प्रायिकता के भार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब हम प्रायिकता की सांख्यिकीय परिभाषा को प्रत्याशा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। प्रायिकता की सांख्यिकीय परिभाषा हमने पहले व्याख्यान में देखी है एवं परिभाषा पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, किंतु हम प्रत्याशा को प्रायिकता की सांख्यिकीय परिभाषा के रूप में भी समझ सकते हैं, या हम प्रत्याशा को प्रायिकता की सांख्यिकीय परिभाषा के रूप में भी जान सकते हैं। अब प्रायिकता की सांख्यिकीय परिभाषा में यदि हमारे पास एक यादृच्छिक चर x के n द्रिग हैं, द्रिग जिसे अंग्रेजी में हमने उस यादृच्छिक चर x के n द्रिग लिए हैं अथवा उस यादृच्छिक चर x को n अलग अलग बार देखा है, तब हम यह जानते हैं कि वह प्रायिकता से x1 लेगा, x2 लेगा एवं इस प्रकार। यदि xi ni बड़ा n, यदि xi ni बार आता है जहां जोड़ i बराबर 1 से n, x इस समुच्चय x1 से xn में कोई भी मान धारण कर सकता है एवं इसे हमने n बार देखा है अथवा हमने इसके n द्रिग लिए हैं, तब जहां जोड़ i बराबर है 1 से n, ni बराबर है n, तब हम x का औसत परिभाषित करते हैं यह हमने छोटी कक्षाओं में औसत की परिभाषा के रूप में देखा था। अब यदि प्रायिकता के विषय में जो कुछ हमने समझा है उसे ध्यान में रखते हुए यदि हम तब xi की प्रायिकता है यह, तब xi की प्रायिकता है यह, यदि x को n बार देखा जाए तब xi बार,
यह पूर्णतः सत्य नहीं है। हम इस वक्तव्य को, इस कथन को हम बाद में जब यह कोर्स समाप्त होने वाला होगा तब हम बड़ी संख्याओं के नियम समझेंगे और तब इस कथन को हम दोबारा परीक्षित करेंगे, किंतु अभी के लिए हम इस कथन को सत्य मानते हैं। तब हम यह कह सकते हैं तब एक्स आई एन पी एक्स एक्स आई बार आएगा, अर्थात मैं लिख सकता हूं सीमा एन, माफ कीजिए मैंने कहा बड़ी संख्याओं के नियम, वृहद संख्याओं के नियम बराबर है सीमा एन अनंत की ओर जाते हुए एक बटे एन जोड़ आई पी आई। बराबर है प्रत्याशा x, अथवा हमने x की प्रत्याशा को इस रूप में देख लिया। अब हम यादृच्छिक चरों के फलों की प्रत्याशाओं के विषय में बात करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।